इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अजय राय आजम खान से मिलने के लिए रवाना हो चुके हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, आजम खान से मिलने के लिए रवाना हो चुके हैं अजय राय। तो आज आजम खान से मुलाकात करेंगे अजय राय, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और मुलाकात के लिए रवाना हो चुके हैं अजय राय। बता दें लखनऊ से सीतापुर के लिए अजय राय रवाना हो चुके हैं। आजम खान से जेल में मुलाकात करेंगे अजय राय। तो सीतापुर जेल में आजम और अजय राय की मुलाकात होगी। आजम से मिलने के लिए रवाना हुए अजय राय। तो आजम के प्रति अजय राय का प्रेम जागता यहां नजर आ रहा है। लखनऊ से सीतापुर के लिए आजम खान से मिलने के लिए अजय राय रवाना हो चुके हैं। आजम खान से जेल में मुलाकात करेंगे अजय राय। तो सीतापुर जेल में आजम और अजय राय की मुलाकात होनी है और इस मुलाकात के लिए रवाना हो चुके हैं अजय राय। तो आजम के प्रति अजय राय का प्रेम जागता नजर आ रहा है और यही वजह कि मुलाकात करने के लिए रवाना हो चुके हैं अजय राय। लखनऊ से सीतापुर के लिए रवाना हो चुके हैं अजय राय। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, आजम खान से मुलाकात करने के लिए अजय राय रवाना हो चुके हैं। लखनऊ से सीतापुर के लिए अजय राय रवाना हो चुके हैं। तो आजम से आज अजय राय की मुलाकात होनी है और आजम खान से जेल में अजय राय मुलाकात करेंगे। तो सीतापुर जेल में आजम खान से मुलाकात करेंगे। आजम और अजय राय की आज मुलाकात होनी है। तो आजम के प्रति अजय राय का प्रेम जागता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ इस प्रेम के मायने और क्या कुछ ये सटीक समय इस प्रेम का और इस मुलाकात का, इसके तमाम मायने निकल करके सामने आने वाले हैं। तो लखनऊ से सीतापुर रवाना होने के लिए आपको बता दें, रवाना हो चुके हैं अजय राय। और निकलने के दौरान अजय राय से हमारे संवाददाता दीपक पांडे ने खास बातचीत की है। क्या कुछ इस बातचीत के दौरान अजय राय ने कहा, ये एक्सक्लूसिव बातचीत आपको सुनाते हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं और अजय राय जो यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है मुलाकात करने जा रहे हैं। सर, इस मुलाकात के क्या मायने? मायने सिर्फ एक ही है, इंसानियत मानवता की। आज वो परेशान है, दिक्कत में है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी जहाँ भी इस तरीके की बातें पहले भी आई हैं, चाहे उन्नाव हो, चाहे उम्बा हो, चाहे हाथरस हो, लखीमपुर हो, हर जगह कांग्रेस पार्टी हमारी नेता राहुल जी, प्रियंका जी खड़े रहे। आज वो परेशानी में, पूरी पार्टी उनके साथ खड़े। क्या लगता है आजम खान को समाजवादी पार्टी से अब कहीं ना कहीं कांग्रेस में लाने की कवायद शुरू हो चुकी है? नहीं, ये तो अभी मिलेंगे, बात करेंगे, सारी बातें उनसे होंगी, उसके बाद इस पर आगे आपको बता पाएंगे। एक पोस्टर वायरल हो रहा है आपके पार्टी कार्यालय के बाहर से लगातार, 24 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री, आप मुख्यमंत्री 27 में, क्या कहेंगे? मैंने भी देखा नहीं है, पर कार्यकर्ताओं की अपनी भावनाएं होंगी, उन्होंने अपनी भावनाओं को प्रदर्शित किया होगा। पहले 24 में भारतीय जनता पार्टी को देश से विदा किया जाए, हटाया जाए, हमारे राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद आगे जब सड़कों पर संघर्ष होगा, जनता जिसको चाहेगी वो आगे जाएगा। समाजवादी पार्टी बड़ा आरोप लगा रही है, कह रही बीजेपी और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं, आप मिलने जा रहे हैं, ऐसे में बड़ा आरोप लगाया जा रहा है आप पर, क्या कहेंगे? नहीं, मैं अपनी इंसानियत और मानवता के दृष्टिकोण से उनसे मिलने जा रहा हूं और जाके अपनी जो अपनी क्षमता है, ताकत है, अपना जो बल है, वो अब अपनी चीज़ों को जाकर उनसे मैं बताऊँगा और निश्चित उनके परिवार की कष्ट की घड़ी में कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जिनका खास तौर से कहना है कि मान्यता होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो उससे मिलना चाहिए। सहयोगी सौरभ के साथ दीपक पांडे, जेएमडी न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अब अपने जो प्रदेश कार्यालय से निकलने की तैयारी हो चुकी है। आपको दिखा दें कि गाड़ियों को जो काफिला है वो लगभग तैयार हो चुका है, यहाँ से सीतापुर जाएगा, जहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान को से मुलाकात करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुलाकात बेहद ही महत्वपूर्ण होगी, चाहे इंडिया गठबंधन के नाते कहा जाए या सियासी घमासान के सहारे कहा जाए, तमाम तौर से देखा ये जा रहा है कि ये जो मुलाकात है अहम मुलाकात मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से बात की जाए, पिछले 2 वर्षों से आजम खान जेल में है, तो कहीं ना कहीं अब जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ी कवायद की जा रही है और कहीं ना कहीं
सीतापुर जेल जाकर मुलाकात करने की जो सिलसिला है ये अब शुरू हो चुका है और आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से। ये देखिए गाड़ी में बैठे हुए हैं अजय राय, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के, जो अब सीतापुर के लिए रवाना हो रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से बात की जाए, लगातार कहीं ना कहीं जब से अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, कांग्रेस लगातार सड़कों पर अपनी लड़ाई उतरकर लड़ती हुई दिखाई दे रही। सहयोगी सौरभ के साथ दीपक पांडे, जेएमडी न्यूज़, लखनऊ।